हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे रोमन न्यूमरल्स, मींस रोमन नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं। इसके लिए कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं, जैसे आई वी एक्स एल सी डी एंड एम। इनकी वैल्यू होती है आई मींस 1, वी मींस 5, एक्स मींस 10, एल मींस 50, C means 100, D means 500 and M means 1000। Students, Roman numbers लिखने के कुछ rules होते हैं। इसका पहला rule होता है I X C M can be repeated maximum 3 times। Means इन symbols को हम maximum 3 times repeat कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। चलिए हम एक example लेते हैं। X means 10, 2 टाइम्स x लिखेंगे तो 20, 3 टाइम्स x लिखेंगे तो हो जाएगा ये 30। लेकिन अगर हम इसको 4 टाइम्स x लिखें तो क्या ये 40 होना चाहिए? जी नहीं, ये गलत है। 40 इस तरह से नहीं लिखा जाता है। ओके, दूसरा रूल है वी एल डी कैन नॉट बी रिपीटेड। मींस ये जो सिंबल है वी एल डी, इनको रिपीट नहीं किया जाता है। रिपीट सिर्फ किसको किया जाता है? आई एक्स सी एम। अब आप इस चीज को याद कैसे रखेंगे? देखिए, आई एक्स सी एंड एम को हम रिपीट कर सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज देखिए, आई की वैल्यू है 1, एक्स की 10, सी की 100 एंड एम की 1000। मींस वही सिंबल रिपीट हो रहे हैं जिनकी वैल्यू 1 और 0 से मिलकर बनी है, और वो सिंबल रिपीट नहीं होंगे जिनकी वैल्यू 5 और 50 से मिलकर बनी हुई है। स्टूडेंट्स, इसका तीसरा रूल है रूल ऑफ एडिशन। एडिशन इसका मतलब है कि जब किसी भी सिंबल में, जैसे कि हम लेते हैं V, इसके राइट साइड पे अगर इससे कम वैल्यू वाला सिंबल लिखा जाता है तो वो इसमें ऐड हो जाता है। जैसे हमने लिखा वी आई, मींस V की वैल्यू होती है 5 और I की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 इसमें प्लस होगा और ये हो जाएगा आपका 6। मींस वी आई इज इक्वल टू 6 होता है। इसी तरह से अगर हम X लें और X के आगे I लिख दें तो इसकी वैल्यू क्या होगी? X की वैल्यू है आपकी 10 प्लस I की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 11। तो 11 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखा जाता है? X I। इसका चौथा रूल है रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन इसमें किसी भी सिंबल के लेफ्ट साइड पे जब उसे छोटी वैल्यू का सिंबल लिखा जाता है तो वो उसमें से सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे v की वैल्यू होती है 5, इसमें से हम माइनस करेंगे i की वैल्यू, 1 इज इक्वल टू 4। मींस रोमन नंबर्स में 4 आई वी करके लिखा जाता है। इसी तरह से अगर हम लिखें x और x के पीछे हम i लिखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे काउंटिंग इन रोमन नंबर्स। ओके, इसके लिए देखिए, 1, 1 को कैसे लिखेंगे? 1 टाइम आई, 2, 2 टाइम्स आई, 3, 3 टाइम्स आई। अब रूल ऑफ रिपीटेशन था कि हम 3 से ज्यादा टाइम इसे रिपीट नहीं कर सकते किसी भी सिंबल को, तो हम 4 कैसे लिखेंगे? तो 4 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। हमारे पास 5 के लिए v होता है, v में से मींस 5 में से जब 1 माइनस होता है तो 4 आता है, तो हम लिखेंगे v और ये करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट, ये हो गया 4, 5, 6। रूल ऑफ एडिशन मींस 5 में 1 प्लस करेंगे, एक बार i लिखेंगे ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो 6, 7, 8, 3 टाइम्स रिपीटेशन। अब हम 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते हैं आई को, तो 9 कैसे लिखेंगे? 9
10 में से 1 माइनस करके मिलता है, तो हम लिखेंगे x और इसमें से 1 माइनस मींस i इसके लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, तो हो जाएगा 9 और ये हो गया आपका 10। तो ये रोमन नंबर्स में 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग है जो कि हम आगे की काउंटिंग लिखने के लिए यूज करेंगे। आपको ये अच्छे से समझने हैं, इसके आगे की काउंटिंग बहुत आसान होती है। ये है 10, 10 प्लस 1 होता है 11, तो हम आप 11 कैसे लिखेंगे, 11 होगा आपका 10 प्लस 1, फिर 12 होगा 10 प्लस 2। आप ये काउंटिंग देखते रहिए, ठीक इसी के सामने हम इनको नोट करेंगे। 13, 10 प्लस 3, 14, 10 प्लस 4, यहां देखिए 15, 10 प्लस 5, 16, 10 प्लस 6, 17, 10 प्लस 7, 18, 10 प्लस 8 और 19, 10 प्लस 9 एंड 20, 10 प्लस 10 ये है 10 प्लस 10 20। स्टूडेंट्स, जैसे हमने 11 से लेकर 20 तक की काउंटिंग लिखी है, क्या किया हमने, 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 2 12, इसी तरह से 20 प्लस 1, इसके आगे भी हम ये वाली काउंटिंग लिखेंगे और हम बनाएंगे नंबर 21, जैसे कि हमने लिखा 20 और प्लस 1, ओके। इसी तरह से 22 लिखना है तो हम पहले लिखेंगे 20 और इसके आगे लिखेंगे 2, इसी तरह से हम सारी काउंटिंग लिखेंगे। मैं लास्ट नंबर लिख रही हूं, मैं लिखूंगी 30, ओके। हमें 30 लिखना है तो 30 कैसे लिखेंगे, 20 और एक और x आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 30। अब 30 है तो 30 के आगे की काउंटिंग भी बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखी जाएंगी। 31 आपने लिखना है तो ये है आपका 30 एंड 1, ये सारी काउंटिंग एज इट इज ऐसे ही आएंगी जैसे कि हमने यहां पर लिखी है। लास्ट नंबर लिखती हूं मैं आपके लिए 40, ठीक है। तो 40 कैसे लिखेंगे, क्या हम x 4 टाइम्स रिपीट करेंगे, जी नहीं, रूल ऑफ रिपीटेशन था कि हम सिर्फ 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं, तो 40 इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। तो फिर 40 कैसे लिखा जाएगा, देखिए 50 के लिए हमारे पास सिंबल होता है L, जब हम 50 में से 10 माइनस करते हैं तो 40 मिलता है, तो हम 40 कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे L और उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास बन जाएगा 40। तो 40 कैसे लिखते हैं, एक्स एल इज 40। इसी तरह से हम आगे की काउंटिंग भी लिखेंगे। अब हमें लिखना है 41, ओके। तो हम इसे इरेज करते हैं, 41, ओके। 40 क्या था, एक्स एल, ये है आपका 40 और 41 लिखना है तो यहां से लिखेंगे हम 1, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। फिर 42, तो एक्स एल हुआ 40 और ये हो गया 2। इसी तरह से हम सारी काउंटिंग लिखेंगे और अब मैं लास्ट बताती हूँ आपको, जैसे कि अब हम लिखेंगे 49, तो 49 कैसे होगा, एक्स एल और 9 आ जाएगा आपका आई एक्स, ये हो गया आपका 49। और 50 के लिए तो हमारे पास सिंबल है L, तो ये हो गई आपकी रोमन नंबर्स में 1 से लेकर 5050 तक की काउंटिंग। 50 से आगे की काउंटिंग भी बिल्कुल इसी तरह से आसान है, 50 लिखना है और उसके आगे 1, 51, फिर 50 लिखेंगे, उसके आगे 2, 52, इसी तरह से सारी काउंटिंग। मैं आपको इसके सीधे 60, 70, 80 और 90, 100 बता देती हूँ। देखिए 50 था आपका L, तो 60 लिखते हैं, कैसे होगा 60, ये हो गया 50 प्लस 10, ये हो गया 60। फिर 70 कैसे लिखेंगे, 70 हो जाएगा आपका, ये है 50, 60 एंड 70,
देन 80, 80 कैसे लिखेंगे, ये है 50, 60, 70 एंड 80, फिर हम लिखेंगे 90। देखिए इनके आगे ये काउंटिंग तो यही लिखनी है आपने, ठीक है, इनके सामने ये लिखना है, सारी काउंटिंग्स बन जाएंगी आपकी 90। तो 90 के लिए क्या हम अब x को एक बार और रिपीट करेंगे? जी नहीं, हम x को मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं और 3 हमने कर दिया है, तो मीन्स 90 लिखने के लिए हम एक और x नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए c होता है 100, तो 100 में से जब 10 माइनस होते हैं तो हमें मिलता है 90, तो हम लिखेंगे c मीन्स 100 और इसमें से करेंगे 10 माइनस। माइनस करने के लिए क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, तो ये हो गया आपका 90। 90 क्या होता है, एक्स सी 90, फिर इसी तरह से 91, 92 इस तरह से लिखेंगे और फिर आता है आपका 100। तो 100 क्या होता है, 100 के लिए सिंबल है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि रोमन नंबर्स में काउंटिंग लिखना 1 से लेकर 100 तक कितना आसान है। अब इसके आगे की काउंटिंग आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि आप 1 से लेकर 100 तक सीख गए हैं, तो मैं आपको सीधे सीधे बताती हूँ। 100 हो गया सी, तो सीधे सीधे हम लिखते हैं 200, ठीक है। 200 कैसे लिखेंगे, देखिए 100 होता है सी, तो 200 लिखने के लिए हम सी को दो बार रिपीट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 200। 300 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सी को 3 बार रिपीट करेंगे और ये हो जाएगा आपका 300, ओके। अब हमें लिखना है 400, लेकिन हम 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो हम सी को अब रिपीट नहीं करेंगे, तो 400 कैसे लिखेंगे, देखिए 500 के लिए होता है डी, और डी में से जब 100 माइनस होता है तो वो बन जाता है 400, तो 400 को लिखते हैं सी डी, फिर 500, 500 है आपका डी, फिर 600, 600 हो जाएगा 500 में 100 प्लस करके, ये हो गया 600, फिर आता है आपका 700, तो 700 ये हो गया आपका 5, 6 और ये हो गया 700, फिर आता है 800, तो 800 हो गया आपका डी, 500, 600, 700 एंड 800, ओके। अब हम सी को 900 लिखने के लिए सी को फिर से रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है, तो 900 हम कैसे लिखेंगे, देखिए 900 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 होता है m, 1000 में से अगर 100 माइनस हो जाए तो बनता है 900, तो हम लिखेंगे m और m में से हम c मींस 100 माइनस करेंगे, तो लिखेंगे इसके पीछे c, ये हो जाएगा आपका 900 और 900 के बाद आता है 1000, 1000 के लिए हमारे पास सिंबल है m, ओके। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि रोमन नंबर्स में काउंटिंग लिखना कितना आसान है, अगर आपको 1 से लेकर 10 तक अच्छे से आ गए तो 100 तक लिखना बहुत आसान होता है, और 100 तक आ गई तो 1000 तक लिखना बहुत आसान होता है, ओके। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।